तो आज मुझे ये देखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, राइट। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मेरे पास सबसे लास्ट में क्या फिगर निकल कर आती है पता है आपको? दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, राइट। जनरली हर क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या गिवन होगा? प्रॉफिट गिवन होगा। क्या प्रॉफिट कैश फ्लो को इंडिकेट करता है? येस और नो? नो। प्रॉफिट मतलब जो पैसा आपने कमाया, लॉस मतलब जो पैसा आपने गवाया। लेकिन जो कैश का इनफ्लो है आउटफ्लो उससे पता नहीं चलता, और हमारी स्टेटमेंट का नाम क्या है? कैश का फ्लो दिखाएगी ये स्टेटमेंट। क्या दिखाएगी? कैश का फ्लो। जरा उठाते हैं हम सबसे पहले करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो सबसे पहले आपका टारगेट है, आपको कौन सी फिगर चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो इसके लिए आप वर्किंग बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर वन। इस वर्किंग नोट नंबर वन का नाम होगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, डी फॉर डिविडेंड है, डी फॉर डेप्रिसिएशन मत समझ लेना, ठीक है, डिविडेंड। सर ये कैसे निकाले? तो आप देखिए, जब भी आप बैलेंस शीट में जाएंगे ना, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपका करंट ईयर में क्या सरप्लस रहा है, क्या सरप्लस रहा है, करंट ईयर सरप्लस। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा? देखिए, बैलेंस शीट आपको बताएगी कि बेटा करंट ईयर में आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप देखोगे पिछले साल पड़े थे 8 लाख। कितने भाई? पिछले साल मेरे पास 8 लाख का प्रॉफिट पड़ा हुआ था बैलेंस शीट में, रिजर्व्स के अंदर। इस बार 10 लाख हो गया वो प्रॉफिट। अगर मैं आपसे कहूं आपकी जेब में 8 लाख पड़ा था और अब 10 लाख हो गया है, तो आप क्या मानोगे? 2 लाख रुपए आपने इस साल कमाए। तो करंट ईयर में कितना कमाया? 2 लाख, ठीक है। और हमें यही देखना है कि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना था इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड से पहले। आप कहोगे सर ये इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड आप इससे पहले का प्रॉफिट क्यों ले रहे हो? अभी मैं बताने वाला, ठीक है। तो ये कैसे निकालते, देखिए, करंट ईयर सरप्लस में आप कुछ चीजें ऐड करेंगे और कुछ चीजें लेस करोगे। सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड कर दोगे, और ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व लेस कर दोगे, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर टैक्स आप ऐड कर दोगे, मैं इसके रीजंस भी साथ साथ लिखवाने वाला हूं। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स भी आप यहां ऐड कर देंगे, ठीक है जी। डिविडेंड भी आप ऐड कर देंगे, डिविडेंड। और याद रहे डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होना चाहिए, कौन से साल का? प्रीवियस ईयर का। क्लियर है जी? कौन से साल का डिविडेंड होगा? प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का डिविडेंड अगले साल पे होता है, तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है जो इस साल पे हो। इसकी करने के बाद आपके पास फिगर आ जाएगी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर आपने ये एडजस्टमेंट्स क्यों करी? तो इसको मैं रेड से लिखता हूं, देखिए, ट्रांसफर टू रिजर्व इज नो फ्लो, राइट। इससे ना पैसा आता है ना जाता है, तो ये दोनों ही नो फ्लो है, तो इसलिए मैंने इनका इंपैक्ट हटाना है, राइट। क्योंकि प्रॉफिट से ही पैसा रिजर्व में जाता है और रिजर्व से पैसा प्रॉफिट में आता है। कुछ भी कर लो ना, पैसा बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, सिर्फ प्रॉफिट कम हो जाता है और प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो मैं इनका इंपैक्ट क्या करने वाला हूं? हटाने वाला हूं। क्लियर है? हटा दिया इंपैक्ट, क्योंकि जिस चीज से पैसा ना आ रहा है ना जा रहा है, आपने उसको क्या कर देना है? हटा देना है। क्योंकि आप क्या बना रहे हो? कौन सी स्टेटमेंट है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इससे तो कैश का कोई फ्लो हो नहीं रहा है ना, तो इसलिए हम इसको हटा देंगे। हटा दिया, क्लियर है? प्रोविजन फॉर टैक्स, इससे भी कैश का कोई फ्लो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, सर ये तो कैश का फ्लो आता है, राइट। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग तो आप पे करते हो, ये ऐड क्यों करा? क्योंकि हम कौन सी एक्टिविटी का कैश फ्लो निकाल रहे हैं? तो जब मैंने कहा मैं ए का कैश फ्लो निकाल रहा हूं, तो उसमें सी इंक्लूड, ठीक है,
तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो इसलिए उसका इंपैक्ट मैं ए से हटा दूंगा, क्लियर है? तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई? नॉन ऑपरेटिंग हुई, क्या हुई? नॉन ऑपरेटिंग। डिविडेंड भी क्या हुआ? नॉन ऑपरेटिंग, ये भी किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का, राइट? ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग और डिविडेंड ये दोनों ही हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के खर्चे हैं। किसकी? पैसा लिया हमने, शेयर इशू करे, डिविडेंड पे कर रहे हो, और डिबेंचर या पैसा उधार ले रहे हो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट हमें यहां से हटाना है, तो ये वापस ऐड कर देंगे। क्लियर है ये बात? समझ आ गई? तो इसके बाद हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड आ गया। ठीक है, तो यहां पे आपने दो फिल्टर्स लगाने होते हैं। फिल्टर नंबर वन प्लस माइनस एंड फिल्टर नंबर टू। ठीक है, इसको मैं फॉर्मली भी लिखवाऊंगा, अभी ये हमारी क्लास का अंडरस्टैंडिंग चल रहा है। ठीक है, तो पहले हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और दूसरा लगाओगे फिल्टर नंबर। आपने वाटर प्यूरिफायर घर में सबके लगा हुआ है क्या? अगर उसमें साफ पानी आता है, गंदा पानी आता है, या जैसा आपको चाहिए वैसा आता है? जैसा हमें चाहिए वैसे ही आता है ना? तो अब वो किस वजह से आता है? वो फिल्टर करता है, राइट? है ना, फिल्टर करता है। तो अगर आप इस प्रॉफिट पे दो फिल्टर लगा दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, दो फिल्टर लगाने वाले हैं, तो ये थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये देखिए, बस इतने में कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। फिल्टर नंबर वन कहता है नॉन कैश आइटम्स को रिमूव कर दो। क्या कर दो? जो भी ऐसी चीजें जो नॉन कैश है उसे रिमूव कर दो। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, रिमूव इफेक्ट ऑफ नॉन कैश आइटम्स। जितनी भी नॉन कैश आइटम्स है उनका इफेक्ट रिमूव कर दो। इसमें दो चीजें दिखेंगी आपको, एक जो प्रॉफिट को बढ़ाती हैं और दूसरी जो प्रॉफिट को घटाती हैं। तो इसमें आ गए नॉन कैश एक्सपेंस। क्या आ गए? नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश इनकम्स। खर्चे प्रॉफिट को घटाते हैं और इनकम बढ़ाती है ना? तो आपने क्या करना है? नॉन कैश एक्सपेंस को प्लस कर देना है और नॉन कैश इनकम्स को माइनस कर देना है। प्लीज, नॉन कैश आइटम्स का फिल्टर लगाना है, मतलब जितनी भी चीजें हैं जिनका कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं है, बस वो वैली हमारी प्रॉफिट को इंपैक्ट कर रही है, तो उनको हटा दो। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो आपको दिख रहा है वो प्लस हो जाएगा और इनकम क्या हो जाएगी? माइनस। सर, खर्चा तो माइनस होता है, वो तो हो चुका है, खर्चा माइनस करके तो प्रॉफिट निकला है, राइट? उसका इफेक्ट रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर किसी चीज का कोई चीज माइनस हो चुकी है पहले, मुझे उसका इफेक्ट रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा? प्लस कर दूंगा, राइट? और कोई चीज ऐड करी हुई है, जैसे इनकम ऐड होती है, अब मुझे इसका इफेक्ट रिमूव कर देना, मुझे चाहिए ही नहीं वो इनकम, तो मैं क्या करूंगा? लेस। तो मुझे दो चीजें नहीं चाहिए, ना नॉन कैश एक्सपेंस चाहिए, ना नॉन कैश इनकम चाहिए, क्योंकि ये वेले खर्चे, इनसे पैसा तो जा नहीं रहा, और ये वेली इनकम है नॉन कैश वाली, इनसे ना कोई पैसा आ नहीं रहा, क्लियर है? अब आ जाते फिल्टर नंबर टू। फिल्टर नंबर टू कहता है रिमूव इफेक्ट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। रिमूव इफेक्ट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। आपका टारगेट क्या है ए पार्ट में? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना, राइट? आपको कोई और एक्टिविटीज का कैश फ्लो नहीं जानना, तो आप जो भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है उनका इफेक्ट रिमूव कर दो, है ना? कुछ का तो आपने कर ही दिया है, कौन सी थी? इंटरेस्ट और डिविडेंड, इनका तो कर ही दिया है, बाकी जो बची हुई उनका भी कर दो। ठीक है, तो अब इसमें क्या ऐड करोगे आप? ऐसे खर्चे जो नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऐसी इनकम्स जो नॉन ऑपरेटिंग है वो लेस कर दी। ठीक है जी, ठीक है,
तो ये मैंने यहां पर एडजस्ट कर दी सारी चीजें, क्लियर है। आपने कितने फिल्टर्स लगाए? दो। पहला स्टेप क्या था, कौन सा प्रॉफिट चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, राइट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड कैसे निकलता है? इस वर्किंग नोट को यूज करके, ओके। उसके बाद कौन से फिल्टर लेंगे? फिल्टर नंबर वन नॉन कैश हटाओ, फिल्टर नंबर टू नॉन ऑपरेटिंग हटाओ, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं आप आगे, नॉन ऑपरेटिंग के एग्जांपल दूंगा सबके, दूंगा सबके एग्जाम्पल्स दूंगा सर। और क्या रह गया? और एक चीज रह गई, और वो है प्लस माइनस। कुछ ऐसी भी छोटी छोटी चीजें हैं जो एक्सपेंसेस और इनकम्स में नहीं दिखती, ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज में दिखती है, ठीक है। अब उनका इफेक्ट हटा दें, उनसे भी कैश ना आ रहा है ना जा रहा है, और क्या पता आ भी रहा है और जा भी रहा हो। तो जिनसे पैसा आ रहा है और जा रहा है उनको हम कंसिडर करेंगे, और जिनसे पैसा नहीं आ रहा और नहीं जा रहा उनको हम रिमूव कर देंगे, क्लियर है। चले आगे, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, राइट। तो अभी के लिए आपने सिर्फ याद करना है, बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको टाइम आने पे। जब भी आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, प्लस होगा माइनस होगा। तो माइनस हो जाएगा। तालियां जसने के लिए, पहला आंसर इसका पूरे साल का। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल माइनस हो जाएगा। अब ये वर्किंग कैपिटल कब बढ़ सकती है? पहला, या तो इंक्रीज इन करंट एसेट हो जाए या फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ओके। तो जब भी करंट एसेट इंक्रीज हो रही है और करंट लायबिलिटी कम हो रही है, तो आपने क्या करना है? माइनस। क्या करना है? माइनस। प्लस, प्लस करना है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्या करना है? करंट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को आप प्लस कर देंगे। लायबिलिटी जब कम हो रही होगी तो करंट लायबिलिटी जब बढ़ रही होगी और करंट एसेट्स जब कम हो रही करंट है और करंट लायबिलिटी जब, एसेट्स ठीक है, तो आप ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों होता है आपको समझ आएगा थोड़े टाइम बाद, ठीक है जी। अब देखिए, यहां इससे पहले तक जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं नेट कैश फ्लो, सॉरी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ओके, यहां तक। और उसके बाद चेंज इन वर्किंग कैपिटल को आप एडजस्ट कर देते हो। लास्ट में आपको एक काम और करना है, दैट इज कॉल्ड टैक्स पेड, ठीक है। आप कहोगे सर आपने टैक्स तो ऐड करा दिया था। यस, मैंने टैक्स ऐड क्या कह के बोला था ऐड करना है, प्रोविजन है, लेकिन जो एक्चुअल में पैसा गया है टैक्स का वो तो आप माइनस करोगे ना, तो वो आप माइनस में दिखा दो, ठीक है। एंड यू विल गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वेट, ठीक है। इसको हमने एक फॉर्मेट के अंदर डालना होता है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगी। तो पहले मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें बताऊंगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक होगा, दैट आई विल टेल यू कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स क्या होती है और नॉन कैश आइटम्स क्या होती है, ठीक है। ये समझने के बाद आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना इज अ सेकेंडरी थिंग, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा बिकॉज वी हैव टाइम। अभी क्या चल रहा है? नवंबर, हमारे एग्जाम कब है? मार्च में, बहुत टाइम है अभी अपने पास, ठीक है। मार्च मेरा वनडे पेपर है, उसका दे दो टाइम। हाँ चला जाओ, कितने बजे?
क्या हो गया? तारुण आएगा मेरी बाइक पे लगा हुआ, क्या हुआ? तो बीट कर देगी जिन्हें किसी मेरी बाइक से निकाल, ने किसी ने वो ही करेगा, किसी ने क्या? तो अच्छा गया। आपकी बाइक में किधर है? कहाँ पे बाइक पे? बाइक में साइड में लगा, इंजन के ऊपर। किधर? ठीक है।